नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार। राजस्थान किलों से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज्य जहां पर हजारों किले हैं, हजारों सौर गाथाएं हैं, कई जौहर हुए और कई बलिदान। अपनी किलों से जुड़े ही अद्भुत श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर के मशहूर सिटी पैलेस की। उदयपुर राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहां दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और उदयगढ़ के खास महलों में से जो सबसे ज्यादा मशहूर महल है वो है उदयपुर का सिटी पैलेस। तकरीबन 400 साल पहले इस पैलेस का निर्माण शुरू हुआ था। ये पैलेस एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया और आज हम इसी सिटी पैलेस के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपको देने वाले हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान के बड़े शाही महलों में से एक है और इसे महाराणा उदय सिंह ने 1569 में बनवाना शुरू किया था। इसके बाद भी इस पैलेस के कई राजा बने, उन्होंने अपने अपने शासनकाल में इसे पूरा करवाया और इस पैलेस का निर्माण 11 पड़ाव में पूरा हुआ। और हैरानी की बात तो ये है कि इतने पड़ावों के पूरा होने के बाद भी इसके दिखने में कोई अंतर नहीं पड़ा और इस पैलेस को पूर्ण रूप लेने में लगभग 400 सालों का वक्त लगा था। वहीं इस पैलेस के परिसर में 11 महल और भी मौजूद हैं, जिनमें 22 अलग अलग राजाओं ने राज्य किया। वैसे तो ये सभी महल देखने में सुंदर हैं, लेकिन शीश महल, मोर चौक, मोती महल और कृष्णा विलास सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पैलेस के अंदर कई गुम्बद, आंगन, गलियारे, कमरे, मंडप, टावर और हैंगिंग गार्डन है, जो कि पैलेस की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ये पैलेस पिछोला झील के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर बना है, जहां से पूरे के पूरे उदयपुर शहर को बड़ी ही आसानी से, बड़े ही आकर्षक ढंग से देखा जा सकता है। और महलों के इस ओर बहुत सारे दरवाजे हैं। ग्रेट गेट महल का मुख्य दरवाजा है, एक द्वार जिसके करीब एक क्षेत्र है जहां हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी, उसको त्रिधनुषाकार द्वार या त्रिपोलिया द्वार भी कहा जाता है। इस पैलेस में राजाओं को चांदी और सोने से तौला जाता था और तौलने के बाद जितना भी सोना और चांदी होता था उसे गरीबों में बराबर बांट दिया जाता था। पैलेस की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक कमरे में पंखा रखा हुआ है, जिसे चलाने के लिए 220 वोल्ट के करंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये पंखा मिट्टी के तेल से चलता है। पहले तेल जलता है और उसकी गर्मी से हवा का दबाव बनता है और हवा के दबाव से पंखे का अंदरूनी हिस्सा घूमता है, जिससे पंखा चलने लगता है। इस तरह से यह पंखा चलने की घटना हमारे ऐतिहासिक वैज्ञानिक स्वरूप का प्रतीक प्रस्तुत करता है। भीम विलास नाम के महल को हिंदू देवी देवता राधा और कृष्ण के चित्रों से सजाया गया है। वहीं इस पैलेस के अंदर एक जगदीश मंदिर भी है, जिसे उदयपुर के सबसे बड़े मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस पैलेस में कई हस्तियों की शादी हुई, जिनका नाम है रवीना टंडन और लखनऊ बेस्ड बिजनेसमैन गौरव शर्मा। इस पैलेस को अगर आप घूमना चाहते हैं तो सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इसे घूमा जा सकता है, लेकिन इंडियन फेस्टिवल वाले दिनों में ये बंद होता है। तो ये थी राजस्थान के उदयपुर के बड़े ही खूबसूरत सिटी पैलेस की बात। इसी तरह किसी अन्य पैलेस की, इसी तरह किसी अन्य ऐतिहासिक किले की बात हम करेंगे अपनी इस श्रृंखला के अगले अंक में। तब तक बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।